हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th के इंग्लिश हनीडू बुक का चैप्टर 7 अ विजिट टू कैम्ब्रिज करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का एक शॉर्ट समरी वीडियो है। अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में लाइन वाइज अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप एक पहले से डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है उसे देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसकी शॉर्ट समरी स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये चैप्टर जो है ये एक मीटिंग के बारे में है और ये जो मीटिंग है ये दो डिसेबल्ड लोगों के बीच में होने वाली मीटिंग है। दो डिसेबल्ड लोग यानी कि दो विकलांग लोगों के बीच में होने वाली एक मुलाकात के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। और वो जो दोनों लोग हैं, वो दोनों व्यक्ति में से पहला व्यक्ति है मिस्टर स्टीफन हॉकिंग, जिसको कि आप जानते होंगे, ये एक ग्रेट साइंटिस्ट है हमारे टाइम के। और इनकी पूरी बॉडी जो थी वो पैरालाइज थी, मतलब ये बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है व्हील चेयर पर बिताई है। ये इतने डिसेबल्ड थे कि ये बोल तक नहीं सकते थे और इन्हें कंप्यूटर में कुछ बटन्स को पंच करके जो ये कहना चाहते थे वो लिखना होता था। फिर कंप्यूटर में से एक मशीन लाइक वॉइस आती थी जो कि बताती थी कि वो क्या कहना चाहते हैं। और बच्चों, फिर जो दूसरे डिसेबल्ड व्यक्ति हैं वो है मिस्टर फिरदोश गंगा जी। आपने इनका नाम शायद सुना होगा। ये इंडिया के हैं और ये एक राइटर और जर्नलिस्ट हैं। ये मुंबई में रहते हैं और इनकी भी पूरी बॉडी जो है वो पैरालाइज थी। और इनको एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से बचपन में इनकी जो बोन्स थी वो टूटना शुरू हो गई थी, बहुत ही ब्रिटल हो गई थी, और जिसकी वजह से इन्हें भी अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर ही बितानी पड़ी। तो आई होप बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि ये मीटिंग जो है वो किन दो व्यक्ति के बारे में है। पहले तो मिस्टर स्टीफन हॉकिंग और दूसरे फिरदोश गंगा जी, और दोनों ही डिसेबल्ड हैं और दोनों ने ही अपनी जिंदगी पूरी व्हील चेयर पर बिताई है। तो बच्चों, जो मिस्टर फिरदोश गंगा जी हैं, जब वो इंग्लैंड में कैम्ब्रिज नाम की जगह पे घूम रहे होते हैं तो उनका जो एक गाइड होता है, टूरिस्ट गाइड होता है, वो उनको मिस्टर स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताता है। फिर मिस्टर फिरदोश गंगा जी बहुत ही चौंक जाते हैं कि वो कैसे भूल गए इतने महान एस्ट्रोफिजिस्ट के बारे में। मिस्टर स्टीफन हॉकिंग न केवल एक महान एस्ट्रोफिजिस्ट थे जो कि स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करता है, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही महान बुक भी लिखी थी जिसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और इनकी बुक जो है वो दुनिया की सबसे बेस्ट सेलर बुक्स में से एक है, सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक में से एक है। फिरदोश गंगा जी जल्दी से जाते हैं स्टीफन हॉकिंग के घर पे, फोन मिलाते हैं। वहां पे उनका असिस्टेंट जो है वो फोन उठाता है। फिरदोश गंगा जी उनसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें कम से कम 10 मिनट के लिए मिस्टर स्टीफन हॉकिंग से मिलने दिया जाए। और जो उनका असिस्टेंट है वो उनको आधे घंटे की अनुमति दे देता है कि वो 3:30 बजे से 4 बजे तक मिस्टर स्टीफन हॉकिंग से मिल सकते हैं। जो मिस्टर फिरदोश गंगा जी स्टीफन हॉकिंग से मिलते हैं तो वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब मैंने उनको पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो एक स्टिल फोटोग्राफ है, जैसे कि फोटो हम न्यूज़पेपर और मैगजीन में देखते हैं मिस्टर स्टीफन हॉकिंग की, बिल्कुल वो वैसे ही दिख रहे थे, ना बिल्कुल हिल रहे थे ना डुल रहे थे। उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल फोटोग्राफ की तरह एकदम स्थिर लग रही थी। बस वो फोटोग्राफ जो थी वो एक 3-डायमेंशनल थी, यानी कि उसमें हाइट, वेट और लेंथ तीनों था। तो फिरदोश गंगा जी उनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जब आप डिसेबल्ड होते हो तो लोग आपको ब्रेव बनने के लिए कहते हैं, आपको कैसा लगता है ये? तो मिस्टर स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि मैं ब्रेव इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मैं एक डिसेबल्ड इंसान हूँ और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे ब्रेव बनना ही पड़ा अपनी इस तरीके की बॉडी के साथ जीवन बिताने के लिए। फिर मिस्टर फिरदोश गंगा जी को ना बड़ा बुरा लग रहा होता है कि वो बार बार उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि मिस्टर स्टीफन हॉकिंग बोल नहीं पाते, उन्हें बार बार कंप्यूटर में मेहनत करके लिखना पड़ता था, तो उन्हें बड़ा बुरा लग रहा था कि वो उनकी उंगलियों को तकलीफ दे रहे हैं। मिस्टर फिरदोश गंगा जी उनसे ये भी पूछते हैं कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि डिसेबल्ड लोग जो होते हैं वो अनहैप्पी होते हैं, दुखी होते हैं, आपका इसके बारे में क्या विचार है? मिस्टर स्टीफन हॉकिंग उस पर कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, मुझे लोगों पर दया आती है, तरस आता है जब लोग मेरे ऊपर तरस खाते हैं। तब मिस्टर स्टीफन हॉकिंग से फिरदोश गंगा जी पूछते हैं कि अगर आपको कोई बार बार आकर के डिस्टर्ब करता है आपके काम में और आपसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछता है तो आपको कैसा लगता है? तो मिस्टर स्टीफन हॉकिंग इस पर जवाब देते हैं कि हाँ, मुझे बहुत ही डिस्टर्ब फील होता है, जिस पर फिरदोश गंगा जी को बहुत ही शर्म आती है क्योंकि वो भी उनको उसी तरीके से परेशान कर रहे हैं जिस तरीके का वो उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर मिस्टर फिरदोश गंगा जी उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है डिसेबल्ड होने में क्या नुकसान है या क्या फायदा है इसका? तो मिस्टर स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि डिसेबल्ड होने में कोई फायदा है। बच्चों, ये जो बात वो मिस्टर स्टीफन हॉकिंग कह रहे हैं, ये हर बार वो कंप्यूटर लाइक वॉइस आ रही है, वो कंप्यूटर में पंच करते हैं बटन, तभी कंप्यूटर से आवाज आती है, वो कभी भी कुछ शब्द जो है उन्होंने वो बोले नहीं है, वो कंप्यूटर से ही हर बार आवाज आती थी। तो कंप्यूटर से मिस्टर स्टीफन हॉकिंग की आवाज आती है कि मुझे तो नहीं लगता कि डिसेबल्ड होने में कोई फायदा है। लेकिन इस पर मिस्टर स्टीफन हॉकिंग से फिरदोश गंगा जी कहते हैं कि शायद मुझे ये लगता है कि आपको पता चलता है कि आपके आसपास के लोग जो हैं वो कितने काइंड हैं, कितने दयालु हैं। जब आप डिसेबल्ड होते हो या कोई व्यक्ति डिसेबल्ड होता है तो आपको पता चलता है कि आपके आसपास कितनी दया भावना रखने वाले लोग हैं। तो इस पर मिस्टर स्टीफन हॉकिंग जो है वो एग्री करते हैं। इसी तरीके से
उन दो डिसेबल्ड लोगों के बीच में काफ़ी सारी बातें होती हैं और ये काफ़ी सारे विचार जो हैं वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। फिर इसके बाद जो है उनका आधा घंटा जो उनको मिला था बात करने के लिए मिस्टर स्टीफन हॉकिंग से वो पूरा हो जाता है और वो कहते हैं कि अच्छा मैं चलता हूँ, थैंक यू मुझे अपना टाइम देने के लिए। इस पर मिस्टर स्टीफन हॉकिंग्स कहते हैं कि रुको थोड़ी सी चाय पी लो, मैं आपको अपना गार्डन घुमाता हूँ। तो जो फिरदोश गंगा जी हैं, यहाँ पे उनकी तस्वीर दी आप देख सकते हैं, तो जो मिस्टर फिरदोश गंगा जी हैं वो रुक जाते हैं, वो स्टीफन हॉकिंग्स के साथ उनके गार्डन में घूमते हैं क्योंकि मिस्टर स्टीफन हॉकिंग्स की जो चेयर थी वो मोटराइज्ड होती है, तो वो जल्दी जल्दी पूरा गार्डन जो है वो आगे आगे घूम रहे होते हैं जबकि फिरदोश गंगा जी जो है उनके पीछे पीछे उनको बार बार उनको कैचअप करने की कोशिश करते रहते हैं। जब मिस्टर फिरदोश गंगा जी का जाने का समय होता है तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि स्टीफन हॉकिंग्स जी उनको हाथ हिला करके बाय कर रहे हैं और चेहरे पे उनके काफी सारी स्माइल है, लेकिन असली में तो बच्चों मिस्टर स्टीफन हॉकिंग्स जी हैं जो वो डिसेबल्ड थे वो असली में ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको ऐसा एहसास होता है क्योंकि इनके मन और उनके मन का कनेक्शन इतना अच्छा हो गया होता है कि इन्हें लगता है कि मिस्टर स्टीफन हॉकिंग्स को इनसे मिलकर के भी खुशी हुई है जिस तरह इन्हें उनसे मिलकर खुशी हुई है, तो इन्हें लगता है कि मिस्टर स्टीफन हॉकिंग्स जो है उनको बाय कर रहे हैं और ये भी उनको किस करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते और इस तरीके से उनकी ये जो जर्नी है वो कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको ये चैप्टर डिटेल्ड में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपके चैप्टर और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो लाएँ तो सबसे पहले वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।